आज मैं पहुंचा हूं नगीना और करहेड़ा के जंगलों में। हमारे साथ कुछ किसान हैं और आप देख भी रहे हैं कि चारों तरफ इस बार जो क्षेत्र है मेवात में बम्पर पैदावार है, चाहे गेहूं की हम बात करें चाहे सरसों की बात करें, ये रबी की फसल है। और आइए कुछ किसानों से आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है जी आपका? आरिफ मोहम्मद। कहाँ से हो? नगीना से। तो इस बार कुदरत ने अच्छी फसल दी है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि किसान के ऊपर कर्जा बहुत होता है, महंगाई बहुत है, खाद बीज बड़ा महंगा है। जी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी फसल है, गेहूँ भी अच्छा है और सरसों का पैदावार बहुत अच्छी है। तो कितना एक एकड़ में कितना खाद लग जाता है, बीज लग जाता है? खाद तो कम से कम 2 कट्टे लगते लगते हैं 1 किलो में। जी डी ए पी के यूरिया के? यूरिया के डी ए पी तो बुआई करते हैं, कितना एक कट्टा लगता है। जी जी तो गेहूँ की अच्छी फसल है इस बार और सरसों की बढ़िया फसल दोनों। और दूसरे किसान से हम बात करते हैं, क्या नाम है जी आपका? तारिफ। तारिफ, तारिफ जी महंगाई बहुत है और किसान की जो आमदनी है सिर्फ फसल के ऊपर निर्भर है किसान, तो कैसे देखते हो आप इस बार फसल अच्छी है तो कुछ कर्जा कम होगा किसान से? इंशाल्लाह कम होगा। तो कुछ आप तो पढ़े लिखे किसान हो, क्या पढ़ते हो? BCA कर रहे हो। तो इस बार फसल कैसी आपके जंगल में? आप यहाँ भराई भी कर रहे हो? अच्छी है। सिंचाई कर रहे हो खेतों में? अच्छी है। पानी की बहुत दिक्कत है जी। पानी की क्या दिक्कत आ रही है? आप कह रहे हो पानी नहीं है। यहाँ तो पानी नहीं है इस जंगल में। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? बहुत दूर घुमट गांव से। घुमट बिहारी गांव से। कम से कम 3,000 रुपये किलो किला मिल रहा है। कितने में दे रहे हैं किला का पानी? 3,000 रुपये किलो। 3,000 रुपये किला, इससे कम नहीं मिलता। तो कितने पानी लगते हैं एक बार में? 5-6 लगते हैं। तो कितना फिर कितना मन या कितना क्वांटल एक किले में गेहूँ बैठ जाएगा? वही 40-50 बस। 40-45 तो बैठ ही जाएगा। बैठ ही जाएगा। आगे वाह कर लो 24। हाँ कर लो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। लगातार देखते रहिए ताज़ा खबरें मीडिया 24 TV पर। आरिफ लखा।